सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस के बारे में। ठीक है, फंक्शन बनाते कैसे हैं उसके बारे में देखा जाएगा। सो पहले मैं ये बता दूं कि हमारा वीडियो कई दिनों से नहीं आ रहा था, तो चूंकि मैं किसी वर्क से कहीं गया हुआ था जिसकी वजह से वीडियो नहीं हो पा रहा था। सो अब जो है वीडियो दोबारा ये कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिक्लेरेशन जो होता है उसे आप ग्लोबली भी कर सकते हैं, लोकली भी कर सकते हैं। ओके, ग्लोबली एंड लोकली दोनों कर सकते हैं। देखिए, पहला एक तरीका ये है कि आप सपोज जैसा कि आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाते हैं, तो क्या होता है कि मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है, हम एक बनाते हैं मेन फंक्शन इस तरह से, और इसके अंदर जो है हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करके उसमें जो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि आप एक फंक्शन बना लीजिए बाहर। ठीक है, फंक्शन एक बाहर बना लीजिए, जैसे कि हम यहाँ एक फंक्शन बनाते हैं, वाइड फन नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी करते क्या हैं वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं इसे अभी सेपरेट कर लेता हूँ। हमें करना ये है कि सबसे पहले हिडन फाइल को इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेना है, क्योंकि इसे इंक्लूड करना इम्पोर्टेंट है। अगर इसे नहीं करेंगे आप, तो आपका प्रोग्राम में वो चीज जो प्री डिफाइन है वो आ नहीं पाएगा, फिर आप उसे रन नहीं करवा पाएंगे। ओके, ठीक है, तो यहां सबसे पहले हमें बनाना है मेन फंक्शन। ओके, मेन फंक्शन, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है मेन में ही एग्जीक्यूट होता है। ओके, हमारा प्रोग्राम किस में एग्जीक्यूट होता है, मेन में होता है। सो मेन के अंदर हमें सिंपली हमने जो फंक्शन बनाया है इस फंक्शन को बस कॉल कर देना है, और जब इसे हम फंक्शन को हमने यहाँ पे बनाया है तो इस फंक्शन को कॉल करना बहुत ही जरूरी होगा। सो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को यहाँ कॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो ऊपर मैंने लिखा है void, तो यहाँ पे आपको void नहीं लिखना है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, जो फंक्शन का हमने नाम दिया है, तो फंक्शन का नाम हमारा फन है, और इसे सिंपली ब्रैकेट पैरेंथेसिस से क्लोज कर देना है, और जैसे लिखते हैं रिटर्न जीरो, सिंपली यहाँ रिटर्न जीरो कर देना है। ओके, और अब क्या है यहाँ पे, ये जो अब काम करेगा एक तरह से आइडेंटिफायर की तरह काम करेगा, क्योंकि जब आपका प्रोग्राम रन करना स्टार्ट होगा तो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा। मेन फंक्शन जैसे ही स्टार्ट होगा तो सबसे पहले ये फन फंक्शन को कॉल करेगा, तो फन फंक्शन तभी कॉल कर पाएगा जब कहीं ये डिक्लेयर हो, अदरवाइज इसके अंदर ही उसका बॉडी बना हो। सो ये अभी कॉल कहाँ से करेगा, इस वाले फन फंक्शन को कॉल कर लेगा। यहाँ पे हमने वाइड क्यों लगाया है, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप जो है वो क्या है, वाइड है, मतलब कुछ नहीं, रिटर्न कुछ नहीं करेगा। ओके, और यहाँ हमने रिटर्न इसलिए लगाया है कि यहाँ पे जो मैं रिटर्न क्या करवा रहा हूँ, जीरो, जीरो का मतलब है प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली रन हो गया है। अब करना क्या है, इसके अंदर सिंपली आपको लिखना है प्रिंट एफ। ठीक है, सिंपली लिखना है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये फंक्शन बना करके प्रोग्राम को रन करने का एक तरीका है। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना है, कंट्रोल एस से इसे कर देंगे सेव। ओके, तो कंट्रोल एस से सेव करने के बाद आप किसी भी नाम से इसे सेव कर दें, और सेव करने के बाद जैसे कि हम लोग एग्जीक्यूट पे जा करके कंपाइल करते थे, तो देखिए कोई एरर शो नहीं हो रहा है, और करवा देना है रन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो देखिए ये प्रिंट ऐसे नॉर्मली आप ऐसे भी करवा सकते थे, बट इसको करवाने का एक अलग तरीका है कि कैसे हम फंक्शन बना करके जो है किसी फंक्शन को यूज अपने मेन फंक्शन में करते हैं। सो इस प्रकार से जो है हमारा फंक्शन बनता है। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे ये हेल्पफुल रहे जिसके लिए। सो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कंपलसरी है, जरूर से जरूर कीजिएगा।
और कमेंट, अगर कहीं कुछ मिस्टेक्स हो रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।